जीवनदायिनी मिट्टी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 67वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। विश्व के बहुत सारे हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी कई कारणों से बंजर होती जा रही है। इसके लिए किसानों और आम जनता को जागरूक किए जाने की जरूरत है। संपूर्ण विश्व में ये खास दिन सबसे पहले 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व के कई हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी बंजर हो रही है, जिसका कारण किसानों द्वारा ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और ये प्रदूषण का शिकार हो रही है। किसानों और आम लोगों को मिट्टी की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। मिट्टी का निर्माण खनिज, कार्बनिक पदार्थ और वायु के विभिन्न अनुपात से होता है, लेकिन बढ़ रही जनसंख्या, मिट्टी के कटान आदि जैसी स्थितियों के चलते इस अनुपात में लगातार गड़बड़ी देखी जा रही है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है। तो वहीं भारत में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ प्रयास देखे गए हैं। 2015 में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी SHC की शुरुआत की थी। इसमें भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि किसी भी जीवन के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। मिट्टी से पौधों का विकास होता है। ये तमाम जीवों के रहने की जगह है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ये जीवन के चौथे आवश्यक कारक चिकित्सा का भी स्रोत है और इसलिए मिट्टी का संरक्षण बेहद आवश्यक है, जिसके लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को मिट्टी को प्रबंधन में बढ़ रही चुनौतियों का समाधान करके मिट्टी की जैव विविधता को रोकने और लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और अब सवाल उठता है कि आखिर 5 दिसंबर ही क्यों? 5 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? थाईलैंड के एक राजा भूमिबोल, जिन्होंने 70 सालों तक थाईलैंड पर राज किया था, ने अपने कार्यकाल में कृषि पर विशेष ध्यान दिया था। राजा भूमिबोल अपने देश के हर गरीब और किसान से मिलते और उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से दूर करने का प्रयास करते थे। राजा भूमिबोल का पूरा नाम HM राजा भूमिबोल अदुल्या देश था। उनका जन्म 5 दिसंबर को ही हुआ था। मृदा के प्रति उनके प्रेम व किसानों, गरीबों के प्रति उनके समर्पण के चलते 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाने का फैसला लिया गया। विश्व मृदा दिवस 2021 की थीम है मिट्टी का लवणीकरण रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। हर साल की तरह इस साल भी विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल ये दिन एक विशेष उद्देश्य को लेकर थीम के साथ मनाया जाता है। जहां पिछले वर्ष की थीम पर्यावरण प्रेमियों से संबंधित मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना रही, तो वहीं इस विश्व मृदा दिवस 2021 की थीम है मिट्टी का लवणीकरण रोके, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दे।
इसका मकसद मिट्टी की लवणता के खतरों की ओर इशारा करते हुए स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और हमारी भलाई को बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण और परिस्थितियों में जिस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे में हमारे बेहतर आज, आने वाले कल और भावी पीढ़ी के लिए सभी को मिलकर आगे आना ही होगा और इस धरती को बचाना होगा, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो पेट भरने के लिए अनाज के साथ ठंडी छाया, प्राणवायु और चिकित्सा के लिए पेड़ पौधे और सिर ढकने के लिए आश्रय भी नहीं बचेगा। विश्व मृदा दिवस पर जेएमटी न्यूज अपील करता है कि हम सभी मिलकर पौधे लगाएं और मिट्टी बचाएं, क्योंकि मिट्टी हमारी धरती है, हमारी जरूरत को भरती है। स्पेशल डेस्क, जेएमटी न्यूज।